नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरल सिलाई में। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में सिंपल सूट कैसे बनाते हैं बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कपड़ा लेंगे और उसे बीच से मोड़ देंगे और हमें जितनी भी सूट की लंबाई चाहिए उसे नाप लेंगे। हमारे सूट की लंबाई 34 है। अब कपड़े के बंद हिस्से से 6 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबा एक बॉक्स बना लेंगे। अब जितना भी हमें सीना चाहिए उसको 4 से भाग देंगे, जितना भी आएगा उतने पे निशान लगा लेंगे। ये हमारे सूट की नाप है। अब 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख लेंगे। अब 2.5 इंच चौड़ा 2.5 इंच लंबा एक हम निशान लगा लेंगे और उसका गोल बना लेंगे। ये आर्म होल बन गया। अब ऊपर से 14 इंच की लंबाई पर कमर का निशान लगाएंगे। हमारा कमर 30 है, उसको हम 4 से भाग देंगे तो 7.5 आ जाएगा और 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। अब 20 पे हिप का निशान लगाएंगे। अब इन सबको मिला लेंगे। ये मिल गया। अब पीछे का गला हम काटेंगे। 2.5 इंच चौड़ा 5 इंच हमें लंबा गला चाहिए। 3 इंच नीचे से 2.5 और 3 को मिला करके एक बॉक्स बना लेंगे और उसे गोलाई का शेप दे देंगे। अब हम इसे काट लेंगे। अब आगे का भाग को काटने के लिए हम जो पीछे की कपड़े की कटिंग किए हैं उसको कपड़ा मोड़ करके उसके ऊपर रख देंगे और आगे का हिस्सा भी हम काट लेंगे। ऐसे कपड़ा रख के काटने से हमें 2 बार निशान नहीं लगाना पड़ेगा। अभी हम इसका गला नहीं काटेंगे क्योंकि गले पर हम पेस्टिंग पेपर लगाएंगे। ये बन गया। गले पर हमें थोड़ी सी डिजाइन देनी है जो पेस्टिंग पेपर से हम डिजाइन देंगे। अब ये पेस्टिंग पेपर है, इससे गला बहुत अच्छा बनता है। इसमें 2 साइड होती है, जो चमकने वाली साइड है उसको कपड़े के ऊपर रखकर चिपकाते हैं। बीच से मोड़ करके 2.5 इंच चौड़ा जितना भी गले की लंबाई रखनी है 5 इंच और जहाँ 5 का निशान लगा वहाँ से 3 इंच करके हमें एक बॉक्स बना लेना है। अब हम इसमें अपने गले की शेप देंगे, गले की डिज़ाइन की। ऐसे डिज़ाइन हमें बनानी है, इसे पान शेप भी कहते हैं। अब हम इसे 1 इंच छोड़कर काट लेंगे, निशान से 1 इंच छोड़कर। अब निशान पे काटेंगे। देखिए ये कट गया। अब हम एक कपड़े पर सूट से मिलता जुलता इसे चिपका देंगे। इसके ऊपर हम प्रेस कर देंगे इसे तो ये ऑटोमेटिक चिपक जाएगा। चिपकाने से पहले हम देख लेंगे कि इन दोनों की दूरी 5 इंच ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हम इसे अच्छे से चिपका लेंगे। देखिए ये चिपक गया, इसको हमने प्रेस कर दिया था। अब हम इसे जैसा गले का शेप है उसके हिसाब से काट लेंगे। अब काटने के बाद इसे बीच से काट देंगे ताकि जब हम गले पे रखें तो दोनों का बीच का हिस्सा हमें पता चलता रहे। इसको ऐसे रखकर सूट को भी बीच से हम कपड़ा मोड़ करके बीचों बीच वहाँ पे कट लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर इस कपड़े को रखेंगे। देखिए एकदम बीचों बीच है। अब यहाँ पर हम एक कच्ची सिलाई कर लेंगे। अब हम आस्तीन काटेंगे। आस्तीन को ऐसे 4 फोल्ड कर 4 बार इसे मोड़ेंगे
और आस्तीन की चौड़ाई 8 आनी चाहिए क्योंकि हमारा सीना 32 है, 32 को 4 से भाग देंगे तो 8 आएगा। लंबाई आस्तीन की आप जितना चाहे रख सकती हैं। किनारे से 3 इंच का निशान लगा करके ऊपर से मिला लेंगे। कपड़े के खुले हिस्से पर हमें 3 इंच का निशान लगाना है और बंद हिस्से से मिला लेना है। मोहरी जितना भी है उसका आधा प्लस 1 इंच निशान लगा करके दोनों को मिला लेंगे तिरछा। अब हम इसे काट लेंगे। अब दोनों को आमने सामने रख कर दोनों आस्तीन को हम आमने सामने रखेंगे और दोनों को मिलाते हुए दोनों आगे के हिस्से को मिला लेंगे और आधा इंच आगे के हिस्से में एक्स्ट्रा काट लेते हैं। थोड़ा सा अगर हम एक्स्ट्रा काटेंगे तो हमारे सूट की फिटिंग अच्छी आती है, दिखने में अच्छा लगता है। अब हम अरेब पट्टी काटेंगे पीछे के गले में लगाने के लिए। 2-2 इंच चौड़ी तिरछी पट्टी या अरेब पट्टी भी से बोलते हैं, काट लेंगे। 3-4 काटेंगे क्योंकि पीछे गला छोटा है, 3-4 में ही हो जाएगा। अब जो हम कच्चा किए थे इस पर पक्की सिलाई हम चला लेंगे। अब इसे हम काट देंगे। दोस्तों अगर आपने हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप सरल सिलाई के नाम से हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये देखिए किनारे हम पक्की सिलाई पलटने के बाद एक और बार चला लेंगे। अब ये जो अरेब पट्टी है इसे हम आपस में जोड़ देंगे। देखिए इसे ऐसे रखकर जोड़ना है। अब पीछे वाले जो गला है उस पर हम इसे लगाएंगे। इसे एक बार ऐसे मोड़ कर, फिर दो बार ऐसे मोड़ कर इस पर हमें एक सिलाई कर लेनी है। सिलाई करके इसे सीधे की ओर पलट कर इसे पलट देंगे और वहां पर तुरपन कर देंगे। अब हम आस्तीन लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा कटा हुआ था उसे आगे की ओर रखेंगे। इसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए जो सूट का आगे का हिस्सा है उसको हम आस्तीन पे लगा देंगे ताकि ये थोड़ा सुंदर लगे सूट। ऐसे आस्तीन बहुत सादा सादा लग रहा है। अगर आपके पास भी ऐसा कपड़ा होगा तो आप भी थोड़ा सा बचे हुए कपड़े को बॉर्डर की तरह आस्तीन पर लगा दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। ये देखिए अब हम इसे जोड़ देंगे। अब दोनों आस्तीन जुड़ गई है। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग का निशान लगाने के लिए सीने से जितना भी हमारा सीना है उसका आधा आधा 16 हो जाएगा दोनों तरफ, बीच में करते हुए 16। अब कमर की लंबाई 14 है, 14 से हमें कमर जितना भी चौड़ा है 30 इंच का है तो 15 बीच में करके ऐसे 15 पे निशान लगा लेना बीचों बीच। और हिप 21 पर नाप करके
हिप की लंबाई 21 या 20 पर। फिर हम उसका हिप का आधा निशान लगा लेंगे। हिप 34 है तो 17 पर हम निशान लगा लेंगे। दो दो इंच मार्जिन छोड़ते हुए अब मोहरी का आधा निशान लगा करके इसको जो सीने का निशान हम बनाए हैं उससे मिला लेंगे। यहाँ पे भी मोहरी का आधा, 10 हमारी मोहरी है, 10 का आधा 5 निशान लगा करके सीने से मिला लेंगे और सब पर हम डबल डबल सिलाई चला लेंगे। अब ये बन गया। आगे वाले ये जो दोनों साइड है वहाँ पर हम डबल डबल सिलाई चला लेंगे। अब हमें चौक बनाना है। कपड़े को दो दो बार फोल्ड करते हुए इस पर हम मशीन चला लेंगे। इस पे दो दो सिलाई हमें चलानी है थोड़ी थोड़ी दूर पर ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। सूट के दोनों तरफ हम ऐसे चौक बना लेंगे। बस हमारा सूट कंप्लीट हो गया। ये देखिए सुंदर लग रहा है बहुत। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।